हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग बस बार डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने मेरे चैनल पर इससे पहले व्हाट इज बस बार एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बस बार ये वीडियो पब्लिश किया हुआ है। काफी यूजफुल वीडियो था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो का जो लिंक है वो ये वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करा रहा हूं, ताकि आप चाहो तो उसे रेफर कर सको। देखिए, ये वीडियो को बीच में स्किप ना करते हुए अगर ये वीडियो जो कि एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप बस बार डिजाइनिंग के बारे में पूरी पूरा नॉलेज जो है वो अच्छे से ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं बस बार डिजाइनिंग के बारे में। Aspects of bus bar designing. The designing of bus bar is decided on the following aspects. जी हाँ, अगर bus bar को हमको design करना है तो कुछ aspects है, important aspects जिसके बारे में हमको discuss करना चाहिए। जैसे कि देखिए, rated voltage, rated current, rated frequency and rated short time current, ये basically चार main aspects है जो हर किसी को कंपलसरी कंसिडर करने होंगे अगर बस बार को डिजाइन करना है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए रेटेड वोल्टेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट, रेटेड वोल्टेज। इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन बस कंडक्टर्स फॉर विच द बस बार्स आर इंटेंडेड। देखिए, सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को जब बस बार डिजाइन करना होता है तो हम जो सिस्टम में हम बस बार वर्क कर रहे हैं, मतलब जो सिस्टम के लिए हम बस बार डिजाइन कर रहे हैं, वो सिस्टम का जो आरएमएस वैल्यू होगा लाइन वोल्टेज का, उसे ही हम लोग रेटेड वोल्टेज यहाँ पे बोल सकते हैं। कुछ कॉमन रेटेड वोल्टेज जो है, जो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, वो है 0.415 केवी या 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी। 33 केवी तक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। या फिर देखिए, ट्रांसमिशन लेवल के भी कुछ कॉमन रेटेड वोल्टेज जो है बस बार के, वो हम लोग देख सकते हैं। 66 केवी, 110 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, ये था फर्स्ट एस्पेक्ट। जब हमको बस बार डिजाइन करना होता है तो रेटेड वोल्टेज हमको सिस्टम का देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सेकंड एस्पेक्ट, रेटेड करंट। देखिए, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विच द बस बार्स कंडक्टर्स विल कैरी कंटिन्यूअसली। देखिए, रेटेड करंट मतलब ये एक ऐसा आरएमएस वैल्यू है करंट का जो कंटिन्यूअसली हमारे बस बार के कंडक्टर्स में फ्लो होगा। द टेम्परेचर राइज विल बी विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। और ये जो रेटेड करंट है उसके वजह से जो टेम्परेचर राइज होगा कंडक्टर में, वो स्पेसिफाइड लिमिट्स तक ही सेफ रेंज में मतलब रहना चाहिए। तो हमको इस हिसाब से हमारा बस बार डिजाइन करना है कि रेटेड करंट के वजह से उसका जो टेम्परेचर राइज है वो सेफ रेंज में ही रहे या एक पर्टिकुलर सेफ लिमिट में ही रहे। और कुछ कॉमन रेटेड करंट जो है वो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किए हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं 400 एम्पियर, 600 एम्पियर, 800 एम्पियर, 1200 एम्पियर, 1600 एम्पियर, या फिर देखिए 2000 एम्पियर, 2400, 3000 एम्पियर्स एटसेट्रा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि बस बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से डीलिंग कर रहा है या ट्रांसमिशन लेवल से, उसके ऊपर उसका जो रेटेड करंट है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए मैंने कुछ कॉमन रेटेड करंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट लिखे है। तो मेरे ख्याल से आप काफी अच्छे से समझ गए हैं कि रेटेड करंट ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है या क्या होता है। तो देखिए, और एक बार देखते हैं। तो रेटेड करंट में हम लोगों ने क्या देखा कि रेटेड करंट ये एक ऐसा आरएमएस वैल्यू है करंट का जो कंटिन्यूअसली बस बार के कंडक्टर जो है वो कैरी करेगा।
और द टेम्परेचर राइज विल बी विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। इसका मतलब यह है कि रेटेड करंट के वजह से जो बस बार के जो कंडक्टर्स है उसका जो टेम्परेचर राइज जो होगा या जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट में ही रहना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने हमारे बस बार को डिजाइन करना है। तो चलिए रेटेड करंट के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर, और वो है रेटेड फ्रीक्वेंसी। देखिए इंडिया में यूजुअली आपको पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूजुअली इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका ही मतलब जब हम बस बार को डिजाइन करेंगे तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जो सिस्टम में वो बस बार वर्क होगा वो सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज रहेगा। रेटेड शॉर्ट टाइम करंट, देखिए लास्ट एस्पेक्ट है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट। रेटेड शॉर्ट टाइम करंट, देखिए अगर कंटिन्यूअस अगर बस बार के कंडक्टर्स अगर कुछ करंट को अगर कैरी करता है तो उसे तो हम रेटेड करंट बोल सकते हैं, लेकिन देखिए अगर ओवरलोडिंग कंडीशन के वजह से सिस्टम के या फिर फॉल्टी शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन के वजह से अगर हमारा जो करंट है वो अगर कुछ पर्टिकुलर कुछ सेकंड के लिए अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है, और उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के वजह से भली वो 2 या 3 सेकंड के लिए क्यों ना हो अगर रहता है बस बार के कंडक्टर्स में तो फिर वो बस बार का जो टेम्परेचर राइज होता है तो वो कितने तक राइज हो सकता है, उसका क्या लिमिट हो सकता है, ये हमको कंसिडर करना चाहिए जब हम बस बार को डिजाइन कर रहे हैं। तो वही जो करंट है उसे हम लोग रेटेड शॉर्ट टाइम करंट बोलेंगे। अगर हम लोग हमारे बस बार को डिजाइन करते समय अगर रेटेड शॉर्ट टाइम करंट का अगर ख्याल रखेंगे तो हम वो पर्टिकुलर रेटेड शॉर्ट टाइम करंट के लिए हमारे बस बार को सेफ रख सकते हैं क्योंकि हम उसको डिजाइन करते समय कंसिडर किया है हमने। तो देखिए रेटेड शॉर्ट टाइम करंट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट विच द बस बार कंडक्टर्स कैन कैरी within specified limits of temperature rise and for a specified duration. देखिए example के लिए देखते हैं, the average temperature is considered as 35 degree Celsius with a peak value as 40 degree Celsius. The short time duration is taken as 1 or 3 seconds. इसका मतलब ये है कि जो बस बार का जो कंडक्टर्स है उसका जो एवरेज टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं रेटेड शॉर्ट टाइम करंट की वजह से वो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर पीक वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस भी हम लोग कंसिडर करते हैं, और जो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन जो होता है शॉर्ट टाइम करंट का वो जनरली 1 or 3 seconds तक रहता है। अब देखिए द करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट्स। देखिए इसका मतलब ये है कि जो बस बार के जो कंडक्टर्स है वो उनके वो आपस में उनका जो डिस्टेंस हम लोग रखते हैं, देखिए उस वजह से देखिए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस वो कंडक्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे कि आप अवेयर हो सभी कि अगर हमारे पास कुछ कंडक्टर्स है, अगर 3-phase बस बार अगर है तो 3 conductors होंगे RYB, और अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो आपको पता ही है कि अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स रहते हैं तो वो कंडक्टर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोडायनामिक ये दो फोर्सेज जो है वो एक्ट होते हैं। तो देखिए और वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो कंडक्टर है वो उस वक्त कितना करंट कैरी करता है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन है तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशंस में जो हमारे बस बार के कंडक्टर्स होंगे वो काफी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कैरी करेंगे, तो उस वजह से वो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस को अगर एक दूसरे के ऊपर जो एक्ट करेंगे वो भी काफी ह्यूज मैग्नीट्यूड में रहेगा। तो डेफिनेटली जब हम लोग बस बार को डिजाइन करेंगे तो ये फोर्सेज जो है उसको हमको कंसिडर करना होगा। हेंस ड्यू कंसिडरेशन इज टू बी गिवन टू दिस एस्पेक्ट व्हाइल डिजाइनिंग द बस बार। देखिए अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं एक स्पेशल वीडियो जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस के ऊपर बना सको। तो देखिए ये लास्ट एस्पेक्ट था बस बार डिजाइनिंग का। तो आज के वीडियो में
बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको चारों एस्पेक्ट जो है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड शॉर्ट टाइम करंट, ये काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पीपीटी के फॉर्म में जो वीडियो मैंने बनाया है वो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्ट्रिक के साथ। और देखिए अगेन, बस बार का जो डिजाइनिंग वो अभी हमने देखा है, बस बार क्या होता है ये हमने देखा है, बस बार के टाइप्स भी पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो अगेन मैं कुछ पार्ट्स आपके लिए बस बार से रिलेटेड लेके आऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।